I'm B.K. Sharma from Iconic School GGC. कैसे हैं आप? How are you? तो जवाब आएगा I'm fine. मैं भी आप जैसा है, so am I. ईश्वर की कृपा है, इस गॉड ग्रेस कहते हैं ना, इस गॉड ग्रेस ईश्वर की कृपा है या आपकी कृपा है, इस योर ग्रेस. और एक्सक्यूज मी, आपके फादर कैसे हैं? हाउ इज योर फादर? पिताजी के बारे में पूछना हो तो हाउ इज योर फादर? वे भी ठीक है, ही इज ऑल्सो फाइन. आपकी मदर कैसी है? हाउ इज योर मदर? वो भी ठीक है, शी इज ऑल्सो फाइन. आपके अंकल कैसे? हाउ इज योर अंकल? हाउ इज योर अंकल? हाउ इज योर अंकल? ही इज ऑल्सो फाइन. वे भी ठीक है. हाउ इज योर आंटी? शी इज ऑल्सो फाइन. वे भी ठीक है. हाउ इज योर सिस्टर? शी इज ऑल्सो फाइन. How's your brother? He's also fine. तो गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन आस्किंग करने का आदत बनाए. मेक इट हैबिट. एक्सक्यूज मी, व्हाट डेट इज टुडे? इट्स 23rd of May 2020. एक्सक्यूज मी, व्हाट डे इज टुडे? इट्स सैटरडे. इट्स सैटरडे. एक्सक्यूज मी, व्हाट क्लास इज टुडे? इट्स 10th ऑफ क्लास. आते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, हर इंसान हमेशा राइट नहीं होता. मैं क्या, कोई भी हर बार, नोबडी कैन बी राइट एवरी टाइम. नोबडी कैन बी राइट एवरी टाइम. हर बार, चाहे आप ये सोचते हैं कि मैं हर बार राइट हूं, हर बार सही हूं, लेकिन कभी कभी आप भी गलती हो सकते हैं. नोबडी कैन बी राइट एवरी टाइम. और ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रारंभिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. तो वो आपको नहीं, वो सबको करना पड़ता है. आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं. एवरीबॉडी हैज टू फेस द टीथिंग प्रॉब्लम्स. फिर भी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, व्हाट टाइप पर्सन आर यू. सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि भाई आप कैसी व्यक्ति हैं, व्हाट टाइप पर्सन आर यू. सर, मैं रैशनल हूं. I'm rational. और आपके आसपास के लोग कैसे हैं? जिधर जहां, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, हाउ डू यू फाइंड पीपल अराउंड यू? आपके आसपास के लोग कैसे हैं? हाउ डू यू फाइंड पीपल अराउंड यू? आपके आसपास के लोग कैसे हैं? आपके जो आसपास लोग होते हैं, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपकी कॉलोनी में हो, आपके मोहल्ले में हो, तो आपके आसपास के लोग कैसे होते हैं? तो चार तरह के लोग हमारे जनरली पाए जाते हैं. समान सिनिकल. सिनिकल कैसे लोग होते हैं? जो हमेशा दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों की आलोचनाएं करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ऐसे लोग समान सिनिकल. समान सिनिकल. आपने देखा होगा कि आप मोहल्ले में रहते हैं, क्लास में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप ऑफिस में बात करते हैं, तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो दूसरों के फॉल्ट्स ढूंढते हैं, दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं समान सिनिकल. एंड समान रेशनल. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, गुड को गुड और बैड को बैड कहने वाले लोग होते हैं, वो रेशनल लोग होते हैं. समान रेशनल. अगर नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी प्रेज करूंगा, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, और अगर सोनिया गांधी अच्छा काम करेगी तो मैं उनकी प्रेज करूंगा. तो दोनों को जो अच्छा है उसको अच्छा बताने वाला क्या कहलाएगा? रेशनल. आई एम रेशनल. और इंसान को रेशनल होना भी चाहिए. ए पर्सन शुड बी रेशनल. आप एक काम की बात करते हैं, हाउ डू यू फाइंड पीपल अराउंड यू? आपके आसपास के लोग कैसे होते हैं? तो पहला व्यक्ति मैंने बताया समान सिनिकल, दूसरा बताया समान रेशनल, और तीसरा समान पैसिव. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर को तो बिल्कुल क्लीन रखना चाहते हैं, अपना ध्यान तो पूरा रखते हैं, दूसरे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, यानी अपने घर का कचरा उठाते हैं और सामने शर्मा जी के घर के सामने डालिए. हे युवा, तो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं लेकिन सामने वाले का हम ध्यान नहीं रखते हैं. हम ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं पैसिव. समान पैसिव. हाउ डू यू फाइंड पीपल अराउंड यू? समान सिनिकल
सम आर रैशनल, सम आर पैसिव, और एक कैटेगरी और होती है, वो भी मैं बताना चाहूंगा आपको, उसको कहते हैं बोस्टफुल। हाउ डू यू फाइंड पीपल अराउंड यू, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, हाउ डू यू फाइंड पीपल अराउंड यू, तो सम आर कैसे होते हैं बोस्टफुल, शेकी बगाड़ने वाले, ऊंचे ऊंचे छोड़ने वाले, डी हांकने वाले, ऐसे लोगों को कहते हैं सम आर बोस्टफुल, बोस्टफुल। तो हमारे आसपास के जनरली चार प्रकार के लोग होते हैं, हाउ डू फाइंड पीपल अराउंड यू, सम आर सिनिकल, सम आर रैशनल, सम आर पैसिव और सम आर बोस्टफुल। आते गाइस काम की बात करते हैं, हियर वी गो, लुक एट द रिपोर्ट, टॉपिक एक पे बात करते हैं आज हम, डज ही एक्शन स्टिल, स्टिल पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं अभी भी ये काम करता है, स्टिल स्टिल देखिए, ईट सॉइल मिट्टी खाना, क्या वह अभी भी मिट्टी खाता है, स्नूप अराउंड, स्नूप अराउंड का मतलब होता है छुपके छुपके किसी की बात को सुनना, क्या वह अभी भी छुपके छुपके बातें सुनता है, दूसरों के बारे में चुगली करना, दूसरों के बारे में चुगली करना, टैटल अबाउट द दस, और बंक ऑफ द क्लास, इसका मतलब होता है क्लास में से सटक जाना, क्लास को बीच में छोड़ करके भाग जाना, बंक ऑफ द क्लासेस, अगेन ईट सॉइल मिट्टी खाना, स्नूप अराउंड छुपके छुपके बात सुनना, टैटल अबाउट द दस, दूसरों के बारे में चुगली करना, बंक ऑफ द क्लासेस, और क्लास में से सटक जाना। माना कीजिए डोंट ईट सॉइल मिट्टी मत खाइए, डोंट स्नूप अराउंड छुपके छुपके बातें मत सुनिए, डोंट टैटल अबाउट द दस दूसरों के बारे में चुगली मत कीजिए, डोंट बंक द क्लासेस और क्लास में से सटकिए मत, भागिए मत। तो अब इन एक्शंस को हम एक्शन पे लगाएंगे, डज ही ईट सॉइल स्टिल, क्या वह अभी भी मिट्टी खाता है, या ही ईट सॉइल स्टिल, हाँ वह अभी भी मिट्टी खाता है, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, यह तो उसकी अच्छी बात नहीं है, सलाह देने के लिए शुड, ही शुड नॉट, मिला के बोलेंगे ही शुडंट ईट सॉइल, उसे मिट्टी नहीं खानी चाहिए, He shouldn't snoop around, उसे चुपके चुपके बातें नहीं सुनना चाहिए, He shouldn't tattle about others, उसे दूसरों के बारे में चुगली नहीं करना चाहिए, He shouldn't bunk off the classes, उसे क्लासेस में से नहीं सटकना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पहले तो टॉपिक लिखेंगे, फिर ईट सॉइल से चार लाइन बनाएंगे, डज ही ईट सॉइल स्टिल, या ईट सॉइल स्टिल इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुडंट ईट सॉइल, डज ही स्नूप अराउंड, या ही स्नूप्स अराउंड स्टिल इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुडंट स्नूप अराउंड, डज ही टैटल अबाउट अदर्स, या ही टैटल्स अबाउट अदर्स स्टिल इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुडंट टैटल अबाउट अदर्स, डज ही बंक ऑफ द क्लासेस, या ही बंक्स ऑफ द क्लासेस स्टिल इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुडंट बंक ऑफ द क्लासेस, इस तरीके से आपको एच डब्ल्यू करना है। अब आते हैं टॉपिक बी, आर यू टू एक्शन, क्या आपको ये काम करना है, या आर यू टू एक्शन, हाँ मुझे ये काम करना है, वाई टू एक्शन, क्यों करना है आपको ये काम, मैंने कहा बिकॉज आई हैव गॉट ए पीस ऑफ वर्क, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है, दैट्स व्हाई, इसलिए आई एम टू एक्शन, मुझे एक काम करना है, पहला एक्शन गो अर्ली, जल्दी जाना, कम लेट, देरी से आना, टेक लंच लेट, लंच देरी से लेना, जैसे आर यू टू गो अर्ली, क्या आपको जल्दी जाना, मैंने कहा या आई एम टू गो अर्ली, हाँ आज मुझे जल्दी जाना है, वाई टू गो अर्ली, क्यों जल्दी जाना है आपको, Because I have got a piece of work, क्योंकि मुझे एक piece of work है, मुझे थोड़ा सा काम है, इस वजह से मुझे जल्दी जाना है, That's why I'm to go early. ध्यान रखिए, the more you wait, the more you find. जितना हमें लोग wait करेंगे, उतना ही हमको find होगा. Come late, are you to come late? क्या आपको जल्दी आना? Yeah, I'm to come late. Why to come late? Because I have got a piece of work. That's why I'm to come late. Take lunch late. Are you to take lunch late? Yeah, I'm to take lunch late. Why to take lunch late? Because I have got a piece of work, that's why I have to take lunch late. ध्यान रखिएगा, कुछ expressions जो आपको learn करना है, ये हमारी spoken में help करते हैं. Nobody can be right every time. कोई भी व्यक्ति हर बार सही नहीं हो सकता, right नहीं हो सकता. Everybody has to face the teething problems. हर इंसान को शुरुआती किसी भी कार्य करने में शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. Wants to happen, must happen. कहते हैं जो होना है वो होके रहेगा, इसलिए अननेसेसरी चिंता न करें, जल्द चुपले हैं। Wants to happen, must happen. जो होना है वो होके रहेगा, कहते हैं ना? It is sad, कहा जाता है।
वॉज टू हैपन मस्ट हैपन, जो होना है वो होके रहेगा, इसलिए बेकार में चिंता न करें, डोंट यू वरी। हाउ डू यू फाइंड पीपल अराउंड यू, आपके आसपास के लोग कैसे हैं? सम आर सिनिकल, जो दूसरों की आलोचना करते हैं, सम आर रैशनल, जो अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा बताते हैं, सम आर बूस्टफुल, जो कुछ डी हांगने वाले होते हैं, सम आर पैसिव, जो अपना ध्यान रखते हैं लेकिन दूसरों का ध्यान नहीं रखते। व्हाट टाइप पर्सन आर यू, आप किस प्रकार की व्यक्ति है? आई एम रैशनल पर्सन, मैं रैशनल हूं, आप मैं अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बताने वाला व्यक्ति हूं। तो गाइस सी यू टुमारो, मिलते हैं कल, और ध्यान रखिएगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।